फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे उनकी कंपनियों की, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस नेवल की। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मैंने पहले ही क्लियरली बता दिया था कि बहुत जल्द यहाँ से अब लोअर सर्किट का दौर खत्म होने वाला है, फिर अपर सर्किट का दौर शुरू होगा। तो अब वैसी ही संभावना बन रही है, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में अपर सर्किट का दौर शुरू होने वाला है और अब रिलायंस कम्युनिकेशन में लोअर सर्किट का दौर शुरू हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आगे क्या संभावना बन रही है, इन स्टॉक में क्या तेजी बनेगी, तो दो बड़ी अपडेट निकल कर आई है इस ग्रुप से, उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ में इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुके जो बहुत ही चौंकाने वाले हैं, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। उससे हमें एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा इस ग्रुप में आखिर हो क्या रहा है, क्या वाकई में इस ग्रुप में कोई संभावना बन रही है या सिर्फ एक माहौल बनाया जा रहा है हवा हवाई। काफ़ी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है इस तेजी के ऊपर, जो ये तेजी बनी है उसको उनको लग रहा है कि इसमें एक ऑपरेटर का गेम है और आने वाले समय में स्टॉक फिर से वही जगह पे आ जाएंगे। तो क्या वाकई में वैसा ही होने वाला है या फिर ये स्टॉक अब यहाँ से तेजी के साथ दौड़ेंगे, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि थोड़ी सी लोअर सर्किट के बाद फिर से अपर सर्किट का दौर शुरू हो जाता है। आज फिर से दो स्टॉक के अंदर तो अपर सर्किट लग गया है और दो स्टॉक अपर सर्किट की तैयारी पर आ चुके हैं। तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस लेवल पर इन ग्रुप में एंट्री कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी इनके अंदर बहुत ज़्यादा संभावना बाकी। तो सारी की सारी संभावना तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज दो बड़ी अपडेट है उनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं और इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं जो अभी लेटेस्ट निकल के आया जून क्वार्टर का। तो सबसे पहले रिलायंस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन पर 3.90 पर 5% का लोअर सर्किट लग गया है। यहाँ पे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है तो लोगों ने काफ़ी अच्छा इसमें प्रॉफिट भी कमाया है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो इसमें मात्र 5.18% की प्रमोटर की होल्डिंग है, ना उसमें कुछ बदलाव नहीं है, जो क्वार्टर फोर में थी वही है। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं किया, 0.01% की होल्डिंग है, उसको एज इट रखा है। संख्या में जरूर गिरावट हो चुकी है, म्यूचुअल फंड जो पहले 32 थे उसकी जगह पर 27 हो गए जून क्वार्टर में। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि FII ने अपना निवेश बढ़ाया जून क्वार्टर में, 0.17% की होल्डिंग उसको बढ़ा के 0.21% कर लिया है, क्योंकि स्टॉक लगातार दौड़ रहा था तो उन्होंने भी उसका फ़ायदा उठाने के लिए इसमें निवेश किया और उनकी होल्डिंग बढ़ी है। FII की संख्या में लेकिन कमी हुई है, 301 थे उसकी जगह पे 295 हो गए। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, 4.89% थी उसकी जगह पे 4.93% कर लिया जून क्वार्टर में। तो काफ़ी लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बुक किया है और इस वजह से इनकी होल्डिंग भी बढ़ी है। अब आगे संभावना यह है कि इस स्टॉक से अब आपको ज़्यादा इसमें रुकना नहीं चाहिए, इसमें से आपको निकलना चाहिए और दूसरे स्टॉक में निवेश करना चाहिए, जैसे रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में। बात कर लेते हैं रिलायंस पावर की। तो रिलायंस पावर का स्टॉक आज 13.15 पर ओपन हुआ, हाई इसने 13.40 की बनाई, लो 12.75 का बनाया और एंड में 13 पर क्लोजिंग दी है, 2.62% डाउन पर। गिरावट जरूर है लेकिन स्टॉक काफ़ी मजबूत हो चुका है, यहाँ से ये दौड़ने को तैयार है। एक या दो दिन में यहाँ पे फिर से अपर सर्किट का दौर शुरू हो जाएगा, तो खरीदारी के लिए अच्छा बन रहा है। काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, करीब 18 से स्टॉक गिरते हुए 13 तक आ चुका है और अभी इसकी नया शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी आया नहीं है, जब आएगा तो इसको डिस्कस कर लेंगे। अब चलते हैं हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। तो यहाँ पर भी स्टॉक में काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग हुई है, स्टॉक ओपन हुआ 78.90 पर, हाई बनाई 8.80 की, लो बनाया 76.10 का और एंड में 78.10 पर करीब 1.01% डाउन पर क्लोजिंग दी है। गिरावट बहुत जल्द थमने वाली है, यहाँ पर भी पॉजिटिव माहौल बन सकता है, तो यहाँ से अब निवेश आपको करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करेक्ट हो चुका है ये भी, और बड़ी एक खबर निकल कर आई है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, अनिल अंबानी ने अपनी कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 400 करोड़ रुपीज़ नया ऐड किया अनिल अंबानी ने, साथ में वर्दे ग्रुप ने अपनी तरफ से 151 करोड़ रुपीज़ ऐड किए, यानी टोटल 551 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश किया उन्होंने और उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा दिया है। तो अलॉटमेंट पूरी हो चुकी है उनकी और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ चुकी है, 22.06% होल्डिंग हो गई है अब प्रमोटर की। तो अनिल अंबानी ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, लगातार अपने कर्ज को कम करने की कोशिश की जाएगी इन पैसों से। तो एक बड़ा पॉजिटिव निर्णय लिया गया है और इससे वजह से आने वाले समय में डेफिनेटली स्टॉक काफ़ी अच्छा बढ़ेगा और अनिल अंबानी की दोनों कंपनी आगे दौड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। जून क्वार्टर की बात कर लेते तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर करीब 94.13% गिरवी रखी हुई है,
प्रमोटर की टोटल होल्डिंग अभी फिलहाल 4.98% बता रही है, क्योंकि अभी ये जो नया जो शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो रहा है वो उसका हमें आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो है अभी रिसेंटली आज का ही फ्रेश अपडेट है जब इनकी होल्डिंग बढ़ चुकी है, तो ये हमें आने वाले समय में इसको ये होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग वही रखी है 0.01%। FII ने अपनी होल्डिंग को घटा दिया है, 2.5% थी उसको घटा के 1.89% कर लिया जून क्वार्टर में। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग घटाई है, तो 12.22% थी उसकी जगह पे 7.23% कर लिया जून क्वार्टर में। तो काफ़ी इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और इस तेज़ी का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपना जो निचले लेवल से खरीदारी की थी उसकी जगह पे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब यहाँ से फिर फ्रेश नया शुरुआत होगी, नई इसमें खरीदारी शुरू होगी निचले लेवल से। रिलायंस कैपिटल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 5% का लोअर सर्किट लग गया है, स्टॉक काफ़ी वीक लग रहा है, परंतु रिलायंस कैपिटल तो कंपनी बिकने जा रही है, इसकी सब्सिडी कंपनियां लगातार बिक रही है। RCF के लेंडर्स ने डेट रेजोल्यूशन प्लान को पास कर दिया है, ऑथम ग्रुप इसके सक्सेसफुल बीडर वो निकल के सामने आए और 1,600 करोड़ रुपीज़ में ऑथम ग्रुप इस का मालिकाना हक हो जाएगा और इसकी वजह से कंपनी का काफ़ी ज़्यादा कर्ज कम हो जाएगा। तो लेंडर्स ने इसको अप्रूव कर दिया प्लान को, तो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है रिलायंस कैपिटल के लिए। और रिलायंस कैपिटल के जून क्वार्टर का भी जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है, तो प्रमोटर की होल्डिंग 3.42% गिरवी रखी हुई है और प्रमोटर की टोटल होल्डिंग 1.51% है और इसमें म्यूचुअल फंड की कोई होल्डिंग नहीं है। साथ में FII ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, 0.42% थी उसकी जगह पे 0.44% किया जून क्वार्टर में। FII की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, 287 की जगह पे 288 हो गए। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, 3.51% थी उसकी जगह पे 3.53% कर लिया है। रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड की बात कर लेते हैं, तो आज स्टॉक के ऊपर 5% का सर्किट लगा है, तेज़ी में आ चुका है स्टॉक, परंतु ये स्टॉक में भी आपको बहुत दिन रुकने की ज़रूरत नहीं है। ये कंपनियां सब बिकने वाली है, तो इनमें से आपको जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। फिलहाल माहौल तेज़ी का बना हुआ है, प्राइस बढ़ सकती है तो थोड़ा और बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा आप वेट करके इसमें से निकल जाना चाहिए आपको, और आपके निवेश को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर या रिलायंस पावर में शिफ्ट करना चाहिए। स्टॉक पॉजिटिव बन चुका है, लेकिन इन ग्रुप में जिस तरह से कहा जा रहा था कि ये ग्रुप लगातार गिर रहा है, वैसी बात नहीं है, अपर सर्किट का दौर फिर शुरू हो गया है और इसका भी जून क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 49.58% है, जो बिल्कुल अनचेंज है, जो मार्च क्वार्टर में थी वही है, और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इसमें नहीं है। साथ में FII ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, 2.04% थी उसकी जगह पे 2.39% किया जून क्वार्टर में। साथ में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, तो 3.81% थी उसकी जगह पे उन्होंने 3.95% कर लिया जून क्वार्टर में। तो फ्रेंड्स, लगातार सबकी होल्डिंग बढ़ रही है, जिस तरह से कहा जा रहा था कि कोई इसमें निवेश नहीं कर रहा, ऐसी बात नहीं है। जून क्वार्टर में बहुत सारे FII और म्यूचुअल फंड ने इन ग्रुप में होल्डिंग बढ़ाई है और उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और बहुत अच्छी तेज़ी बनी थी, उसका फ़ायदा उनको पूरा मिला है। रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग में भी आज 5% का अपर सर्किट लग गया है, परंतु यह स्टॉक भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जल्द से जल्द आपको निकलना चाहिए इसमें से। अभी अपर सर्किट का दौर शुरू हुआ है, तो एक दो दिन और सर्किट लग सकते हैं, तो उसके बाद में आपको इसमें से भी एग्जिट होना चाहिए। तो ओवरऑल जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसके हिसाब से मुख्य अनिल अंबानी ग्रुप धीरे धीरे पूरा मजबूत होते जा रहे हैं, उनकी कंपनियों का कारोबार बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में अनिल अंबानी अपने कारोबार को समेट कर छोटा करके फिर से बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो इनके शेयरों की प्राइस भी बढ़ेगी, तो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना निवेश बनाए रखें और इनमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न आने वाले समय देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।